और यहाँ पर अगर हम इसका जैसे ANC मोड ऑन करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल ये कानों को ओ गॉड इतनी गर्मी, गर्मी में ANC का मज़ा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। अभी मैं उनसे ला के बातचीत कर रहा हूँ, आउटर कंडीशन में हूँ तुमसे इसका ANC मोड ऑन करके, तो मेरी आवाज़ तुम्हें कैसी आ रही है। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के ज़माने में अब हेडफोन्स देख रहे हैं काफ़ी कम लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में, ब्रांड्स ऑफ फोकस ही ट्रू वायरलेस ईयरबड्स पे डाल रहा है, लेकिन अगर आप आज के टाइम में भी हेडफोन्स प्रेफर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज हमारे पास है बोट रॉकर्स 551 ANC वायरलेस हेडफोन्स, ये ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन्स है बोट ब्रांड की तरफ से। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़, मैंने 3000 रुपये में इनको परचेज किया हुआ है, इसके प्राइसिंग शायद बढ़ भी गए होंगे। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर विजिट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्रांड कर रहा है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, मैसिव आपको 100 आवर्स तक का प्ले टाइम प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रात को बैठ के अच्छी तरीके से ग्रिलिंग कर चुका हूं, सारी टेस्टिंग कर चुका हूं, कंप्लीट आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा ताकि एंड तक पॉसिबल पॉसिबल सब देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएं कि इसमें आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं शुरुआत अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको बोट रॉकर्स 551 ANC वायरलेस हेडफोन्स का ऐसे बड़ा सा आपको बढ़िया बॉक्स मिलने वाला है बल्कि सा, और यहाँ पर मेंशन है इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, 40 mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। हम आगे सब डिटेलिंग चेक करेंगे एक एक प्रॉपर तरीके से, क्विकली करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलने वाला है पेपर वर्क हमेशा की तरह, वारंटी कार्ड, बोट का ब्राउचर मिल जाएगा, यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक IMA बोट हेड का स्टिकर मिलने वाला है, साथ ही में एक एडिकेट लेंथ की आपको छोटी सी लेंथ की आपको टाइप सी की केबल मिलेगी टू चार्ज योर हेडफोन्स। और अगर हम मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दीस आर द हेडफोन्स यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसे लुक एंड फील का बढ़िया आपको ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन्स मिलने वाला है, पूरी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाली है। इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको फोल्डेबल ऑप्शन भी मिलने वाला है, आराम से फोल्ड करके कहीं भी प्रॉपर तरीके से पोर्टेबल तरीके से बैग में कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो हेडरेस्ट दिया गया है, हेडरेस्ट यहाँ पे आपको सही मिल जाएगा, क्वेश्चंस को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बिल्कुल आपको यहाँ पे अल्ट्रा सॉफ्ट आप बोल सकते हैं क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसको लेके मुझे कोई इशू नहीं लगा, लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशन है दोनों ही साइड पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेल्ट है पूरी आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है, और जो यहाँ पे हिंजेस दिए गए वो भी प्लास्टिक बिल के दिए गए, मेरे हिसाब से यहाँ पे मेटेलिक हिंजेस प्रोवाइड करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी प्लास्टिक बिल मिल जाएगी। और इसको आप थोड़ा केयरफुली यूज़ कीजिएगा, प्लास्टिक क्वालिटी मुझे थोड़ी डेलिकेट लग रही है, डिसेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं लग रही प्लास्टिक क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और अगर हम सिक्योर फिट की बात करेंगे, तो अगर आप प्रॉपरली इसको कानों में प्लेस करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे हेडरेस्ट यूज़ करके अगर आप एडजस्ट करेंगे अपने कानों में, तो पूरा ये प्रॉपर ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन से कानों को प्रॉपर तरीके से पूरा कवर करते हैं। एंड इसको पहनते से ही मैक्सिमम बाहर की नॉइज़ वैसे ही कैंसिल हो रही है, बिना ANC मोड ऑन किए भी आप बोल सकते हैं 85% बाहर की एक्टिविटीज़ कैंसिल हो रही है, अच्छे तरीके से कानों को पूरा पैक करते हैं। और अगर आप चाहते भी हैं, अगर आप जिम पर्पज़ के लिए, अगर आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उस पर्पज़ के लिए इसको आप ग्रैब कर सकते हैं, मेरे कानों से सच गिरे नहीं, अच्छा आपको कानों में होल्ड प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हम एक नज़र डालते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स पार्ट को लेके, तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 40 mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, ENX टेक्नोलॉजी दी गई है फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, ट्रांसपेरेंसी मोड मिलने वाला है, डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, बैलेंस मोड और सिग्नेचर मोड मिल जाएगा, और मैसिव यहाँ पे आपको 100 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज अगर आप बिना ANC के म्यूजिक सुनेंगे तो। और मैंने इसको रात को अच्छे से 3 से 4 घंटे यूज किया, और इसमें क्लेम किया है अगर आप 60% वॉल्यूम अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो 100 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इसकी जो लाउडनेस है आपको एडिकेट मिलने वाली है, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं मिलने वाली है, तो मेरे हिसाब से आप फुल वॉल्यूम पे ही सुनेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली बिना ANC के 70 आवर्स के आसपास आप बोल सकते हैं 60 से 70 घंटे बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा फुल चार्ज पे। इसकी जो बैटरी है काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है, अगर आप ANC मोड ऑन करेंगे कंपैरेटिवली आपको कम बैटरी लाइफ मिलेगी एज कंपेयर टू विदाउट ANC मोड। और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट चार्ज करेंगे नीले आपको 10 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा विद दिस वायरलेस हेडफोन्स। फीचर्स इसमें आपको यहाँ पे इंप्रेसिव मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देना चाहिए था, 5.0 मिलने वाला है, ऑक्स का ऑप्शन भी नहीं दिया गया, सिर्फ ब्लूटूथ के थ्रू ही म्यूजिक प्ले कर पाएंगे, मेरे हिसाब से ऑक्स का इंप्लीमेंटेशन देना चाहिए था यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉबैक लगा इसको लेके। और यहाँ पर आपको ऐसा कोई गेमिंग मोड भी नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने की हुई एक गेमिंग टेस्ट, उसको आप देख लीजिए, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा लेटेंसी आपको कितनी मिलने वाली है इसके थ्रू।
हालांकि ऐसा कोई गेमिंग मोड इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको एसबीसी और एसी कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा। मैंने एसबीसी मोड में आपको गेमिंग दिखाई हुई है, मुझे ज्यादा लेटेंसी फील नहीं हुई। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50 से 60 मिली सेकंड आप बोल सकते हैं आपको लेटेंसी मिलने वाली है। इसमें आपको इंप्रेसिव गेमिंग मिल जाएगी, गेमिंग पार्ट को लेकर मुझे ज्यादा दिक्कत फेस नहीं हुई। लेकिन जो लाउडनेस आपको एडिकेट मिलने वाली गेमिंग के टाइम पे, लेकिन जो स्टीरियो सेपरेशन है लेफ्ट राइट का, आप क्लियरली पता कर पाएंगे एनिमीज कहां से आ रहे लेफ्ट से कि राइट से, इसको आप अच्छी गेमिंग के लिए एडिकेट अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। और यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर जो लेफ्ट और राइट साइड दिया गया है हेडफोन्स का, लेफ्ट वाले साइड पे आप देख सकते हैं एसएस को यहाँ पे बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है। और अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, एएनसी मोड का बटन दिया गया है, टाइप सी का पोर्ट दिया गया है चार्जिंग पर्पस के लिए, प्लस माइनस का बटन मिलने वाला है। और अगर हम बटन कंट्रोल्स की बात करेंगे, जो ये पावर ऑन ऑफ का बटन, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये पावर ऑन होता है हेडफोन, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑफ होगा। इसी को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, इसी को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा। और यहाँ पे जो प्लस माइनस का बटन दिया गया है, प्लस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी। प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा, माइनस को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे ले जाएगा। और यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको अगर आप डबल प्रेस करेंगे जो लास्ट नंबर है वो रिडायल हो जाएगा और सिंगल प्रेस करने से कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसी बटन को अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, हिसाब से आप कमांड दे सकते हैं। और इनकमिंग कॉल को आपको एक्सेप्ट करना है, इसी बटन को अगर आप पावर ऑन ऑफ के बटन को सिंगल प्रेस कर देंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए इसी बटन को सिंगल प्रेस कर देंगे, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और इनकमिंग कॉल को आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, इसी बटन को अगर आप डबल प्रेस कर देंगे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं आपको एएनसी का अलग से एक मोड दिया गया है, बटन दिया गया है, इसी को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो एएनसी मोड में स्विच करेगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करेगा एंबिएंट मोड में, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और इसी बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, एएनसी वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसमें आपको डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, बैलेंस मोड और सिग्नेचर मोड। लॉन्ग प्रेस करेंगे बैलेंस मोड में स्विच करेगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे ये सिग्नेचर मोड में स्विच कर जाएगा। हम आगे आउटपुट के बारे में बात करेंगे, आउटपुट कैसा है। और अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके एएनसी मोड को लेके, यार एएनसी फीचर इसका मुझे यहाँ पे एडिकेट लगा, मुझे ज्यादा खास फर्क नहीं लगा। मैं एएनसी मोड में ऑन करके बैठा था, मुझे फैन की आवाज ही पता चल रही थी क्या हो रही है, फैन की आवाज सामने आपके कोई बोलेगा धीरे धीरे तरीके से बोलेगा तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा नॉर्मल तरीके से बोलेगा समझ में आ जाएगा। तो ना इसका जो नॉर्मल मोड है ना, इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो फिटिंग है कानों में सही दिया मेरे को पर्टिकुलरली, तो बैकग्राउंड की नॉइज मेरे को वैसे ही काफी कैंसिल हो रही थी। एएनसी मोड में मैंने जैसे स्विच किया मुझे ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं पता। आप बोल सकते हैं कि हल्का फुल्का आपको माइनर सा डिफरेंस लग सकता है कि हाँ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कैंसिल हो रही है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे एएनसी मोड को ऑन करके। और हालांकि एएनसी मोड में मुझे ऐसा लग रहा है कानों में बहुत सरप्रेसिंग सा, मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कुछ खींच रहा है, प्रेशर बिल्कुल कानों में बन रहा है, तो मैं ज्यादा देर तक एएनसी मोड ऑन करके इसको नहीं पहन पाया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, एडिकेट यहाँ पे आपको एएनसी मोड मिलने वाला है। और एम्बिएंट मोड की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मोड की, वो सही तरीके से वर्क किया, ये काफी ज्यादा एक्टिविटीज कैच कर देगा बैकग्राउंड की, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, वो सही तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे जो इसके बटन्स दिए गए हैं वो भी मुझे थोड़े बहुत हार्ड लगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बटन्स नहीं दिए गए। कभी कभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा प्रेस करने में बटन्स प्ले हो रहे हैं, तो बटन्स को यहाँ पे लेके थोड़ी बहुत इंप्लीमेंटेशन अच्छी और देनी चाहिए थी एज पर माय एक्सपीरियंस, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबल है, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन थोड़े बहुत बटन्स यहाँ पे मेरे को लगे हल्के फुल्के हार्ड। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 40 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, एसबीसी एएसी कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एडिकेट लाउडनेस मिलने वाली, लाउडनेस पार्ट को लेकर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी मेरे को लगा यहाँ पे, और लाउडनेस होनी चाहिए थी 50 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देते ज्यादा बेटर रहता। लाउडनेस आपको एडिकेट मिलने वाली है, लेकिन आपको ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं। और इसमें जो दो इक्वलाइजर मोड दिए गए, बैलेंस मोड और सिग्नेचर मोड, और मैं पर्सनली जो सिग्नेचर मोड है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। उसमें आपको प्रॉपर वोकल्स मिल जाएंगे, अच्छे आपको ट्रेबल्स मिलने वाले, और बेस भी आपको लगेगा प्रॉपर, आपको अच्छे बेस इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको बेस बिल्कुल पसंद है उस पर्पस के, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं सिग्नेचर मोड में। और जो बैलेंस मोड है बेस ये बिल्कुल कम कर देगा, बेस आपको ज्यादा नहीं पता चलने वाला है, वोकल्स पे ज्यादा फोकस डालेगा, लेकिन मेरे को पर्सनली मतलब जो सिग्नेचर मोड है उसमें मेरे को म्यूजिक आउटपुट काफी इंप्रेसिव लगा। आउटपुट को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया यहाँ पे, मैं साफ साफ बोलूंगा आपको अच्छी एडिकेट लाउडनेस मिलने वाली है, प्रॉपर ट्रेबल्स, बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन लाउडनेस मुझे यहाँ पे साफ साफ थोड़ी बहुत कम लगी। मेरे हिसाब से लाउडनेस थोड़ी बहुत और बेटरमेंट होनी चाहिए थी लाउडनेस पार्ट को लेकर। बात करेंगे कॉलिंग की, ईएनएक्स टेक्नोलॉजी दी गई है, मैंने आउटर कंडीशन में बातें की हुई है एएनसी मोड ऑन करके, उसकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हेलो हार्दिक शाह, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है। ओके ओके। अरे अभी मेरे पास ना बोट रॉकर्स 551 एएनसी करके एक हेडफोन्स आए हुए हैं बोट की तरफ से। हाँ। अभी मैं उनसे लाके बातचीत कर रहा हूँ, आउटर कंडीशन में हूँ तुमसे। हाँ। इसका एएनसी मोड ऑन करके, तो मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है, वोकल्स भी क्लियर लग रहे हैं, और लाउडनेस भी अच्छी खासी है, मतलब एडिकेट है। अच्छा अच्छा, बाकी मतलब ये बैकग्राउंड एक्टिविटीज, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है रोड साइड पे, उनकी तुम्हें आवाज आ रही है कंपैरेटिवली से बाइक को अभी? नहीं नहीं, हाँ हल्का सा पता चला मतलब, लेकिन इतना कोई इफेक्ट नहीं करी है कॉलिंग को। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हमारी आवाज पे ज्यादा फोकस है फिर भी। कितना परसेंटेज फोकस बोल सकते हो? 80% तक अच्छा खासा फोकस है। हाँ चलो ठीक है दीक्षा, थैंक यू।
ओके हाँ बाय। कॉलिंग इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। मैंने आउटडोर कंडीशन में कॉलिंग की हुई है, इंडोर कंडीशन में बातचीत की हुई है। इंडोर कंडीशन में मेनली अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं, उस पर्पज के इसको आप डेफिनेटली ग्रैप कर सकते हैं। कॉलिंग को लेकर मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ। आउटडोर कंडीशन में आप बोल सकते हैं तो 80% तक मेरी आवाज से फोकस था, आउटडोर कंडीशन में भी काफी इंप्रेसिव कॉलिंग मिलने वाली है, मेरी आवाज से बिल्कुल फोकस रहेगा, मैंने एएनसी मोड ऑन करके बातचीत की हुई है। 20% आप बोल सकते हैं एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, लेकिन इसमें आपको कॉलिंग काफी इंप्रेसिव मिलने वाली, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया साउंड लीकेज के बारे में, अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे इसमें आपको साउंड लीकेज भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मतलब मैं कानों को प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं, थोड़ा बहुत जो साइड में बैठा होगा, अगर फैन के नीचे बैठा है तो नहीं पता पाएगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं, बिल्कुल शांति में बैठे हुए हैं। अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हैं 10-20% आप बोल सकते हैं, 10% आप बोल सकते हैं सामने वाला आपको सुन पाएगा कि क्या आप कानों में सुन रहे हैं। साउंड लीकेज इसमें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब हम करने वाले हैं रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और एएनसी मोड को। इसमें आपको एएनसी फीचर दिया गया है, आउट ऑफ 10 हम करेंगे रेटिंग्स। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और मैं एएनसी मोड को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। दीस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस हेडफोन्स अप्रॉक्सिमेटली 3,000 रुपीज। और देखा जाए इंप्लीमेंटेशन तो अच्छा है बोट ब्रांड की तरफ से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत और इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो इसमें आपको ऑक्स इनपुट नहीं मिलने वाला है, और यहां पर जो आउटपुट है लाउडनेस पार्ट को लेके मेरे हिसाब से इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं दी गई, और एएनसी मोड जो दिया गया एडिक्वेट तरीके से वर्क करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया एज पर माय एक्सपीरियंस। मैंने आपको तब भी सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, इसके बारे में एक डिटेलिंग बता दी है। अब आप पे डिसीजन मैटर करता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सारे के सारे मैंने पॉसिबल लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट रॉकर्स 551 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वायरलेस हेडफोन्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।